खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को छिंदवाड़ा के दौरे पर पहुंचेंगे। यहां पर तैयारियां जोर शोर से उनके दौरे को लेकर की जा रही हैं। इसी पर हमारे सहयोगी महेश चांडक की रिपोर्ट आप देखिए। छिंदवाड़ा के पुलिस ग्राउंड में आयोजित आम सभा में वो यहां से जनता को संबोधित करेंगे। साथ ही नागपुर से सबसे पहले हेलीकॉप्टर से रवाना होकर के आंचल कुंड जाएंगे, जहां दादा दरबार में वो दर्शन करेंगे। वहीं आदिवासियों से कहीं ना कहीं वो चर्चाएं करेंगे। इसके बाद वो छिंदवाड़ा के पुलिस ग्राउंड आएंगे और यहां से भाजपा कार्यालय में जा करके कार्यकर्ताओं से महाविजय घोष अभियान का शुरुआत करेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह की तैयारियां अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर के की गई है। सबसे पहले तो ये मंच तैयार किया गया है और इस मंच को तैयार करने के लिए लगभग पिछले 8 दिनों से यहाँ पर कार्रवाई चल रही है और प्रशासनिक अधिकारी लगातार इस बात को यहाँ पर नजरें लगाए हुए हैं। भाजपा के कार्यकर्ता भी यहां पर लगातार मौजूद हैं, जो हर क्षण हर व्यवस्था को देखने के लिए लगे हुए हैं। साथ ही देखिए पंडाल में हम आपको दिखाते हैं कि नरेंद्र मोदी से लेकर के पूरे नेताओं की जो यहां पर तस्वीरें लगाई गई है, जो मंच से सीधे यहां पर दिखेगी। इस व्यवस्था को बनाने के लिए 10 IAS IPS अधिकारियों की व्यवस्था की गई है। वहीं 22 ASP और 68 DI SDOP यहाँ पर मौजूद रहेंगे। 2000 पुलिसकर्मी इस व्यवस्था को यहाँ पर संभालेंगे। साथ ही भाजपा कार्यालय में जो 50 मिनट की जो बैठक होगी, उसमें 75 से ऊपर नेताओं से वो चर्चा करेंगे। धर्मगुरुओं का भी यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। शहर पूरी तरह से पूरी व्यवस्थाओं से सजा दिया गया है और लगातार पोस्टर और बैनरों के माध्यम से लोगों को अपील की जा रही है कि वो छिंदवाड़ा के इस आयोजन में शामिल हो। लगभग 50,000 लोगों के पहुंचने की यहां पर उम्मीद है, जिसकी व्यवस्था बैठक बनाई गई है। छिंदवाड़ा के भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित है, क्योंकि हमारे यशस्वी नेता, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री सम्मानित श्री अमित शाह जी का आगमन हो रहा है और अमित शाह जी का साथ हमें मिल रहा है। अमित शाह जी हमें मार्गदर्शन देंगे। ये पर्याप्त संख्या में पुलिस बल बाहर से आया हुआ है, पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगी है, कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यहाँ पे ड्यूटी पे तैनात हैं। इसी के साथ लगभग 50 मजिस्ट्रेट जो कार्यपालिक दंडाधिकारी हैं, वो जगह जगह उनकी सुरक्षा के दृष्टिगत ड्यूटी पे तैनात हैं। ये थे हमारे साथ SDM साहब, जिन्होंने बताया कि किसी प्रकार की कोई भी किसी को परेशानी ना हो, इस बात के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वीडियो पर्सन सईद के साथ महेश चांडक, न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।